नमस्कार, मैं ऋतु। एक बार फिर से हम वास्तुशास्त्र के एपिसोड में आपके साथ हैं। आज हम जानेंगे कि किस दिशा में हम क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए ईशान है, ईशान में क्या हम अपना बेडरूम या फिर किचन या टॉयलेट इनमें से कुछ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी दिशाओं के बारे में जानेंगे कि इससे हमें क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं। हमारे साथ शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी नमस्कार। आज आप बताइए कि किस दिशा में हम क्या चीज़ दे सकते हैं, किस दिशा में हम क्या दे सकते हैं। देखो, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं ईशान जी। वास्तु शास्त्र का जिस समय चित्र बनाया जाता वास्तु देवता का जी जी, तो वे मुंह के बल ऐसे ही पड़े होते हैं, ठीक है, हाथ पैर समेटे ऐसे मुंह के बल जी। तो वो ईशान से शुरू होके नैऋत्य में पहराते हैं, ठीक है। तो उनका सिर लगभग यहाँ पर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर उनका सिर हो गया, ठीक है, और उनके पैर यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम ईशान से शुरू करते हैं। सबसे पहले वास्तु देवता के को हम ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को देख करके हम समझें। अगर जो मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो जी, कहीं पर कोई गंदी चीज पड़ी है और आपने नहीं ध्यान दिया, तो आप पैर से कुचल के निकल गए, आपको पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही गंदी चीज अगर मुंह के पास पड़ जाए तो गलत प्रभाव होगा। और वही यदि आप मंदिर से जा रहे हैं, वहां से कोई बढ़िया हवन यज्ञ की वो आती है, तो ऊपर से ही महक का हमें अंदाजा होता है। सारे सेंसर हमारे ऊपर लगे होते हैं, महक का, दृष्टि का, सुनने का, जिसको हम श्रवणेंद्र, वो ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं, ज्ञान इंद्रियों को यदि हम आज की भाषा में बताएं तो एक तरह से सेंसर होते हैं हमारे। तो यहाँ पर वास्तु देवता के सारे सेंसर हैं। अब हम इसके सेंसर के आधार पर अब हम बात करते हैं। यहाँ पर एक तो ये बता दें, यहाँ वास्तु देवता का सिर है जी। दूसरा बृहस्पति है जी, ठीक है, गुरु भी है, ठीक है। तीसरा एक तत्व भी है यहाँ, वो है जल, ठीक है, जल तत्व है जी। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर रसोई दे दी, ठीक है जी। तो चूंकि अच्छा एक बात और अंदाजा आप लगाएं, पानी और अग्नि में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बलशाली कौन होता है जी। आपको अंदाजा हो तो जब आग तेज लगी हो तो बुझाते किससे हैं, जल, तो यानी कि जल से बुझाएगी, तो जल ने उस पर अपना प्रभाव जमा दिया। माने अग्नि जो है जल से कमजोर होती है जी, और जल उस पर हावी होता है, प्रभावी होता है। माने जल भारी होता है अग्नि से और अग्नि कमजोर होती है। यहाँ पर अब अग्नि की बात करें, अग्नि में क्या होता है, उसकी क्या कहते हैं, रसोई में, रसोई का काम है अग्नि का। लेकिन यदि यहाँ से यहाँ पर रसोई आएगी तो यहाँ अगर जो तुमने रसोई शिफ्ट कर दी है तो यहाँ पर जल तत्व ऑलरेडी बैठा हुआ है, और उस जल तत्व के बैठे होने पर यदि अग्नि जाएगी तो वहाँ पर भोजन पकेगा नहीं। भोजन पकने का मतलब यहाँ अग्नि ठंडी हो गई, यहाँ पर भोजन पकेगा नहीं। अब उससे क्या होगा, पेट के कई सारे रोग होते रहेंगे, क्योंकि अधकच्चा भोजन खाएंगे कोई तो पेट के रोग होते हैं। ये मैंने बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया है, यहाँ पर पेट के रोग होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये आ गए यहाँ पर अग्नि हम नहीं दे सकते। दूसरी बात, यहाँ पर अब हम आते हैं टॉयलेट, ठीक है। अब मैंने वही बात बताई, अच्छा एक बात बताओ, मुंह पे सबसे ज्यादा सफाई व्यक्ति कहाँ करता है और सफाई रहती कहाँ पर है, सबसे ज्यादा मुंह पर जी। तो मुंह पर सफाई रहती है तो उसमें क्या होता है कि इसमें जब सबसे अधिक जब मुंह पर सफाई रहेगी तो यहाँ पर जी हम गंदगी करेंगे तो मुंह पे हमारा बहुत बुरा असर पड़ेगा जी। तो यहाँ पर वास्तु के हिसाब से वास्तु देवता यहाँ पर खिन्न हो जाएंगे। ध्यान रखना, जो साफ सफाई देवता लोग वैसे साफ सफाई पसंद करते हैं,
देवता लोगों को यदि गंदी जगह कर दिया तो वहाँ से देवता खिन्न हो जाएंगे और खिन्न हो करके फिर वो आपको बहुत बुरा रिजल्ट देंगे। अब बुरा होगा क्या, सुनो, ये है देवताओं का क्षेत्र। तो यहाँ पर जिस समय हम गंदगी का, मान लो टॉयलेट बाथरूम कर दिया, तो यहाँ पर देवता नहीं रुक पाएंगे। और यदि बृहस्पति और ये जल तत्व तो सब है, तो सबसे पहले तो जल ही गंदा होगा जी, क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट दे दिया, वहाँ पर जल तत्व था और वो जल था पीने वाला, यहाँ तुमने टॉयलेट दे दिया, सबसे पहले जल को गंदा किया। दूसरी बात, यहाँ से देवता सारे भाग जाएंगे। तीसरी बात, यहाँ पर ये जो वास्तु देवता, उनके मुंह पर के तुमने गंदगी की है जी, इससे क्या होगा, सबसे पहले आर्थिक परेशानियां आपको झेलनी ही पड़ेंगी जी। ठीक है, आपके यश और कीर्ति में बहुत बड़ा धब्बा लगता रहेगा। यहाँ से आपको यश और कीर्ति कभी नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पर बृहस्पति जो हैं, बृहस्पति यदि दब गए तो तुम्हारी कोई भी समाज में बात सुनने वाला नहीं। बृहस्पति जिसके उच्च के होते हैं, उसकी समाज में हर व्यक्ति बात सुनता है और समझता है। तो यहाँ पर बृहस्पति यदि तुम्हारे दब गए तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से यश और कीर्ति दब गई, धन का भी आवागमन रुक गया, सारे मतलब देवता भी नाराज हो गए और जल तत्व को तुमने खराब कर दिया। अब आते हैं आप बेडरूम जी। ठीक है, बेडरूम में क्या होता है कि बेडरूम से ही परिवार का, परिवार की उत्पत्ति होती है बेडरूम से ही। ठीक है, अब यहाँ पर स्त्री को हर एक चीज में देख लेना, स्त्री को अग्नि बताया गया जी, स्त्री को शुक्र बताया गया। ठीक है, तो शुक्र हमारे यहाँ पर हैं, ठीक है, इनकी आवश्यकता पड़ेगी अभी। ठीक है, ये शुक्र है और ये अग्नि है, तो यहाँ पर स्त्री का वास अच्छा बताया गया। मान लो तुमने यहाँ ले आए, चूंकि स्त्री अग्नि है, अब अग्नि को तुमने जल तत्व में बैठा दिया जी। अब जब तुमने स्त्री अग्नि को जल तत्व में जब तुमने बैठा दिया जी, तो वो अग्नि ठंडी होने लगी, क्योंकि जल उस पर प्रभावी हो जाएगा जी। वो अग्नि यदि ठंडी होने लगी तो सबसे पहले पति पत्नी में आपको तनाव होने की आशंका हो जाएगी, और तनाव होने की आशंका होगी और इससे तलाक होने की आशंका ज़्यादा होगी, क्योंकि अग्नि ठंडी हो गई, पता लगे कि एक दूसरे से बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, एक ये समस्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर बाई चांस मान लो तलाक नहीं हुआ, बोलचाल भी है, मान लो ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जो एक दूसरे राशियों में ग्रह है, जैसे कि शुक्र है और ये बुध है, शुक्र बुध आपस में एक दूसरे को आकर्षण करते, बुध भले ही ध्यान ना दे शुक्र पर शुक्र बहुत प्रेम करते हैं, इससे ये होता है। तो यहाँ पर जो स्त्री आएगी तो सबसे पहले वो ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ पर संतान होने की उम्मीद ना के बराबर हो जाती है। यदि पति पत्नी इस ईशान कोण में अपना बेडरूम बनाते हैं तो उनको संतान होने की उम्मीद बहुत कम होती है, कम की कह दे ना के बराबर होती है। लेकिन अगर जो उसने कहीं सिर इधर को, जैसे बेडरूम ये हो गया, ठीक है, ये हो गया बेडरूम, ठीक है, अरे ये हो गया और ये हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, अब उसमें निश्चित हो गया कि उन्होंने इधर को सिर किया है, ठीक है, ये तकिया हो गया, इधर सिर किया है और पैर उसके पूरब में, तो इसमें बच्चे होने की आशंका है, लेकिन लड़की ही होगी। ठीक है, इसमें हो सकते हैं पर लड़की ही होगी, लेकिन अगर जो आपने इधर को सर कर दिया, इधर, ठीक है, इधर तक यह लगा दिया ऐसे, अब ऐसे ये सो गए इधर को, ये बेडरूम हो गया, तो लड़का लड़की कुछ भी नहीं होगा। और हो भी गया तो कब विकलांग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो अग्नि तत्व है वो ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बेडरूम बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए, और बाई चांस मजबूरन सोना पड़े, मजबूरन, तो आप बहुत कम दिनों के लिए इधर को सर करके सो सकते हैं, दक्षिण की तरफ सर करके सो सकते हैं या पश्चिम की तरफ सर करके सो सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो इधर को आप सोते हैं तो इसमें कुछ उम्मीद की जा सकती है जी। इसमें बिल्कुल नहीं,
की जा सकती है। ठीक है, तो हम इस समय अगर जो मान लो है तो फिर हम इसको बेडरूम बनाए तो फिर उसका उपयोग क्या है? उसका उपयोग है अतिथि के लिए, बालक बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए और रात में सोने के लिए, बूढ़े के लिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर एक चीज और होती है, यहाँ पर मैग्नेट होता है। ठीक है, मैग्नेट होता है। मैग्नेट से क्या होता है, अगर जो कोई घर की लड़की को इस ईशान कोने में सुलाते रहे लगातार, तो वो लड़की कभी भी एक तो ब्याह करने को राजी नहीं होगी, पहला, राजी हो भी गई तो तलाक लेने को तलाक हो जाएगा। यहाँ पर सोई हुई लड़की अपने पढ़ाई लिखाई करियर और अपना मैरिड लाइफ सबको बर्बाद कर लेती है, क्योंकि इसमें मैग्नेट इतना हाई होता है कि उस लड़की को यदि भेज दिया तुमने क्या कहते हैं ससुराल में, तो वो कुछ ना कुछ झगड़ा करके, कुछ ना कुछ करके वो यहीं आ जाएगी और वो आके यहीं रहेगी। धीरे धीरे का इतना तनाव बढ़ जाए, इतना तनाव बढ़ जाए कि कहने लग जाए मम्मी अब तुम हमें अपने घर में रखो, हम वहाँ बिल्कुल नहीं जाने वाले, हमें यहीं रहना है। और अगर जो कोई तुम बहू लेके आए और बहू को यहाँ सुलाते रहे, कभी अग्नि में कभी इधर सुलाते रहे, तो इससे क्या होगा कि वो बहू जो है वो अपने मायके में नहीं रुकेगी, वो यहाँ आकर के रहेगी, वो बिल्कुल नहीं। ये क्षेत्र जो होते हैं ये मैग्नेट वाला क्षेत्र होता है, इसलिए अतिथि के लिए सोने के लिए कभी भी ये कमरा को अलाउ नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर लड़की को, कुंवारी लड़की को कभी नहीं सोने देना चाहिए। कभी कभी सो सकते हैं तो वो केवल अपनी बहू को सुला सकते हैं, बहू का मतलब होता है पुत्र वधु। ठीक है, तो उसको सुला सकते हैं, दूसरे बूढ़े माँ बाप के लिए हो सकता है, तो तीसरा हो सकता है ये स्टडी के लिए, स्टडी माने बच्चों के स्वाध्याय वगैरह के लिए। इस प्रकार से हम इसमें दे सकते हैं। और ये मुंह पर हम सीढ़ी नहीं बना सकते हैं, मुंह पर किचन नहीं बना सकते हैं, मुंह पर टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाया जा सकता, और इस पर केवल अब बना क्या सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, जो सबसे अच्छा स्वाध्याय अध्ययन मेडिटेशन जिसको कहते हैं अपना, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे बढ़िया हवन यज्ञ जो भी करना है सो बड़ी आसानी से इसमें हम कर सकते हैं। केवल ये अग्नि को, ईशान कोण इसीलिए होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को, इस एपिसोड को यहीं विश्राम करते हैं। अब अगले को हम लेंगे तो उसमें बताएंगे कि हम अग्नि में क्या क्या कर सकते, क्या क्या नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम दें। नमस्कार, जय हिंद।